Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और जॉब ट्रॉफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। आप मेरी ये सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो। देखो हम आज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं जो आज इस चैनल के ऊपर नेट जरा फर्स्ट पेपर और जॉब ट्रॉफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। तो यहाँ पर जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए और नेट जेआरएफ और सेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मॉडल पेपर सेट 38 के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 474 से 484 के बीच में। और यहाँ पर आपको इन 10 क्वेश्चन हैं जिनको 10 मिनट में कंप्लीट करना है। 6 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका स्कोर नॉर्मल है, 7 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका स्कोर अच्छा है और 8 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका स्कोर ग्रेट है, बहुत अच्छा है। और यदि आप मेरे इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो बिल्कुल आसानी से। आप इनकी आसानी से पीडीएफ भी ले सकते हो और साथ ही साथ मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो और उस व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। और ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका टारगेट है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो, एक तरीके से आपका 75% प्लस का स्कोर हो। और इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको मेरे को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है t.me/UGCNET with Ajay। और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का मेन टारगेट है क्वेश्चन सॉल्व करवाना और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाना जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला और ध्यान रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करें, चाहे फिर वो गलत हो चाहे सही हो, क्योंकि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली नेट जेआरएफ सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें कहीं नेगेटिव, नेट जेआरएफ में सेट में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ कुछ जगह नेगेटिव मार्किंग होती है और कुछ जगह नहीं होती है। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को सही करो, वो चाहे सही हो चाहे ना हो, लेकिन उसका आंसर सजेस्ट करो, उससे आपको तुक्का देने का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठंडी महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, ठंडी जलधाराएं दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हैं। ठंडी जलधाराएं दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं। मैं जलधाराएं पढ़ा चुका हूँ बहुत अलग अलग से, अटलांटिक महासागर के अलग, प्रशांत महासागर के अलग, हिंद महासागर के अलग, और ये मैंने स्टार्टिंग में दिसंबर में ही पढ़ा दिया था। तो आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप जरूर देखो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से उठा के आप उस वीडियो को देख सकते हो। और प्लीज़ इसका आंसर बताओ, बिना ऑप्शन देखे हुए आंसर बताने की कोशिश करो, फिर ऑप्शन तो मैं दिखाई दूंगा आपको कि इनमें से कौन सा सही है। देखो यहाँ पर जो बिल्कुल सही है वो है ऑप्शन ए कि ठंडी महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठंडी जलधाराएं दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हैं। देखो इसका ये डिस्क्रिप्शन है, ठंडी महासागरीय धाराएं उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध के निम्न व मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हैं।
मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये है हमारा यूरोप, फिर ये है एशिया, ठीक है। फिर यहाँ से ये है अफ्रीका और ये है एशिया, क्या है, थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ इसको मैं, ज़्यादा बड़ा बना दिया मैं, एशिया बाहर गया हमारा, ज़्यादा कलर से बनाता हूँ यहाँ। देखो ये हमने बनाया उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये है यूरोप, फिर ये है एशिया, फिर उसमें ये है साउथ अफ्रीका और ये है एशिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा मानचित्र है सपोज डेट, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बिल्कुल सपोज डेट हमें इसी तरीके का मानचित्र मानना है। यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो महासागर के जलधाराओं को याद करने का भी मैंने तरीका बताया था उस वीडियो में, बहुत शानदार सा तरीका था। ये है ध्रुवीय क्षेत्र, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये बीच में विषुवत रेखा है। तो जो महासागर जल है वो अधिग्रहण कहाँ पर रहता है, इस 0 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में रहता है ध्रुवों की तुलना में, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, वो जो सूर्य है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर रहता है, तो जो सूर्य की प्रकाश है, जो प्रकाश की मात्रा है, वो विषुवत रेखीय क्षेत्र पर अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम होती है, इसलिए यहाँ पर ठंड अधिक रहती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक रहता है। अब यहां से कोई भी ठंडी जलधारा इस तरीके से प्रवाहित होती है, इस तरीके से और ऐसे आती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से प्रवाहित होती है, ऐसे प्रवाहित होती है और इस तरीके से आती है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। ये बिल्कुल सेम कंडीशन रहती है प्रशांत महासागर में, बिल्कुल इस तरीके से बहती और यहाँ पर इस तरीके से आना, ठीक है, और बिल्कुल सेम कंडीशन रहती है दक्षिण प्रशांत महासागर में, इस तरीके से बह के यहाँ पर आना, ये स्थिति रहती है किसकी, महासागरीय जलधाराओं के बहने की। तो अब देखो इसमें जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग कौन सा है, ये वाला है जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है, महाद्वीपों का पश्चिमी भाग कौन सा है, ये वाला जो भाग है, ये महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है, इस साइड ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग है। अब यहां पर क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है, यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र है, यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र है और यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र है। अब ये जलधारा यहां से जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहती है, यहां पर गर्म रहती है, ध्रुवों की ओर जाती है, धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, ठंडी होके और फिर वो विषुवत रेखा की ओर आती जाती है और गर्म होती रहती है। तो जब ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में रहती है, जब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में रहती है तो ठंडी रहती है, और जब महाद्वीपों के पूर्वी भाग में रहती है, इस वाले भाग में रहती है, तो गर्म रहती है। ये देख लो, ये महाद्वीपों का पूर्वी भाग होगा, जब यहाँ पर एशिया रहेगा इस तरीके से, एशिया यहाँ पर, तो एशिया के पूर्वी भाग पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर गर्म जलधारा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधारा, फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग पर गर्म जलधारा, फिर यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधारा, और फिर एशिया और जो यूरोप है, एशिया है और जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके पूर्वी भाग पर कौन सी जलधारा, गर्म जलधारा, इस तरीके से रहता है ये, जो आपको समझ में आ गया होगा। मैं जलधारा का जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत शानदार से तरीके से समझा दिया इसको, आप प्लीज वो देखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आप रट जाओगे एक तरीके से, आपको वैसे रट जाएगा आप देख लोगे तो ही। तो हम बात करते हैं ठंडी महासागरीय धाराएं उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में
निम्न व मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रभावित होती हैं। बात बिल्कुल सही है कि जो ठंडी जलधाराएं हैं वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न व मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में ठंडी होती हैं। जब हम बिल्कुल निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र की बात करें, भूमध्य रेखा का बिल्कुल निकटवर्ती क्षेत्र, और वहां पर हम बात करें किसकी, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग की, जैसे ये महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है और ये महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, और ऐसी कोई ठंडी जलधारा ऊपर से नीचे आ रही है तो ये यहाँ तक तो ठंडी रहेगी, लेकिन जैसे ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में आएगी तो वापस गर्म हो जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रभावित होती हैं। ठंडी जलधाराएं दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रभाव प्रतिरूप का अनुसरण नहीं करती हैं। ठंडी जलधाराएं ठंडे जल को गर्म जल क्षेत्रों की ओर प्रभावित करती हैं। जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ठंडे जल को गर्म जल क्षेत्रों की ओर प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। महासागरीय धाराओं की क्रियाविधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला कथन है निम्न अक्षांशों में प्रवाहित होने वाली धाराएं कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती हैं। दूसरा कथन है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह चक्रवात के प्रभाव के प्रभाव में होता है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह चक्रवात के प्रभाव में होता है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है जिससे महासागरीय धाराएं भी इसी प्रतिरूप को अपनाती हैं। ये तीन आपके पास कथन है, इन पर विचार करना है और पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है, और आपके पास ये टोटल चार ऑप्शन है, सही आंसर का पता चलाओ। तो देखो भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि जो दूसरा और तीसरा कथन है, कथन सेकंड और कथन थर्ड, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, और जो कथन फर्स्ट है वो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको। महासागरीय धाराएं जो निम्न अक्षांशों में बहती हैं कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। समझा देता हूँ मैं, जब ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है और ये उत्तरी अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका है और ये आसिया एशिया वाला क्षेत्र है। अब निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में कोरियोलिस बल की वजह से महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये ध्यान रखना बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। महासागरों में उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में वायु का प्रभाव मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है, और इन क्षेत्रों में महासागरीय धाराएं भी इसी प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, कि जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र होते हैं उनमें जो वायु प्रवाह होता है वो चक्रवात के अकॉर्डिंग होता है। चक्रवात के अकॉर्डिंग का मतलब होता है क्लॉकवाइज होता है। कैसे होता है? क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई की दिशा में बहता है। तो देख लो भाई, मैं एक बार दिखा देता हूं। महासागरों के मध्य अक्षांशीय हिस्सों में वायु का प्रवर्ती प्रति चक्रवाती होती है, और इन क्षेत्रों में महासागरीय धाराएं वायु प्रवाह प्रतिरूप के समान ही प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। देखो यहाँ पर आपके ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखें जिनमें मैं जलधाराएं पढ़ा रखा हूँ बिल्कुल डिटेल से और बहुत ही सही तरीके से। पांच वीडियो हैं, तीनों महासागरों के, जिसमें मैं डायग्राम से समझा रखा हूँ और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है
गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मध्य व उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहने वाली धाराएं शीत ऋतु को कोष्ण बना देती हैं। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहने वाली धाराएं इन क्षेत्रों में बरसात होती है। ठंडी जलधाराओं के मिलन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि कर देती हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ये आपके पास तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, चौथा मैं दिखा देता हूँ आपको। और तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही आंसर का पता चलाना है क्या होगा। और ये आपके पास टोटल तीन स्टेटमेंट है, कथन है, जिनको पढ़कर और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। बताओ जल्दी से बताओ यार, लेट हो रहा है वैसे, और पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखो। और प्लीज़ इनको लिखने की कोशिश मत करो, कभी आप लिखने में लग गए हो लिखो मत इनको, मैं आपको इनकी पीडीएफ दे दूंगा। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है या फिर पीडीएफ लेने के जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ से मैं आपको इनकी पीडीएफ दे दूंगा। तो इनकी टेंशन लो मत और इनको यहीं पर याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इतना कुछ लिखा हुआ है तो मेरे को लगता नहीं है कि जो स्टार्टिंग का दो है वो पढ़ने का है, लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को रोक के और आप इनको पढ़ सकते हो। लेकिन जो नीचे वाला है वो मैं पढ़ देता हूँ। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जो प्लेंकटन की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। प्लेंकटन मछलियों का प्रमुख भोजन है, अधिकांश मत्स्य क्षेत्र इन्हीं गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन स्तर पर पाए जाते हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड के निकट ग्रैंड बैंक तथा जहाँ गर्म अटलांटिक प्रवाह ठंडी लैब्राडोर जलधारा से मिलता है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं। हम्बोल्ट है धारा है, कैलिफोर्निया धारा है, ब्राजील की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है और कनारी की धारा है। इनमें से आपको गर्म जलधारा को बताना है कि यहाँ पर कौन सी गर्म जलधारा है। बताओ फिर मैं बताता हूं। देखो यहां पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि जो ब्राजील की धारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये दोनों गर्म जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट की धारा, कैलिफोर्निया की धारा और जो कनारी की धारा है वो तीनों की तीनों ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ठंडी महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं, पेरू या हम्बोल्ट धारा ठंडी धारा है, अलास्का धारा गर्म धारा है, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म है, कनारी जलधारा ठंडी है, विषुवतीय धारा गर्म है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है, अगुलास की धारा गर्म है, आईओसीओ धारा ठंडी है और उत्तरी अटलांटिक धारा गर्म है, ग्रीनलैंड धारा ठंडी है और क्यूरोसियो धारा गर्म है, पूर्वी पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडा है, उत्तरी प्रशांत धारा गर्म है, बैंगवाला की धारा ठंडी है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा गर्म है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ठंडी है, ब्राजील की धारा गर्म है, लैब्राडोर धारा ठंडी है और फ्लोरिडा धारा गर्म है। तो ये था कुछ जलधाराओं के बारे में, और आपको बिल्कुल इसी तरीके से इन सभी जलधाराओं को रखने के लिए यार एक बार मैं वो वीडियो देख लो, आप पांच वीडियो हैं उनको सभी को देख लोगे तो जलधाराओं का क्वेश्चन किसी के बाप से भी गलत नहीं करोगे, ना रटने की जरूरत ना बार बार पढ़ने की जरूरत, केवल एक बार वीडियो को देखने की जरूरत है, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, ठीक है।
मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा, केवल इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आगे आते हैं भाई, पांचवा क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करो। पहला, यह एक गर्म जल धारा है। दूसरा, यह यूरोप की जलवायु को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा है, यह लैब्राडोर धारा की से मिलती है, यह धारा लैब्राडोर धारा से मिलती है। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा की व्याख्या करती हैं? और ये आपके पास टोटल चार ऑप्शन हैं, जिनमें से आपको सही आंसर का पता चलाना है। तो भाई यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक धारा। देखो, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा यह एक गर्म जल धारा है। यह धारा ठंडी धारा से मिलकर उत्तरी अटलांटिक गर्म जल धारा ठंडी लैब्राडोर जल धारा से मिलकर न्यूफाउंडलैंड के निकट मत्स्य क्षेत्र का निर्माण करती है और आगे पूर्वोत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरोप की जलवायु को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अटलांटिक व आइबेरियन तट के सारे कनारी धारा के निर्माण में सहायक है। अटलांटिक और आइबेरियन तट के सारे कनारी जल धारा के निर्माण में सहायक है। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से नहीं समझाऊंगा, डायग्राम से समझना है तो मेरे उन वीडियोस को देखना होगा आपको, ठीक है? और वीडियो ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो और मेरे को बोल सकते हो कि सर वो वीडियो ढूंढ के दे, मैं वीडियो ढूंढ के दे दूंगा आपको, लेकिन इससे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करूँगा मैं। जलवायु के वर्गीकरण हेतु कोपेन द्वारा निर्धारित उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु प्रदेश तापमान और वर्षण पर आधारित है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण को समाहित नहीं किया। कोपेन ने विश्व की जलवायु को 6 समूहों में विभाजित किया है। ये आपके पास तीन कथन है, तीनों को पढ़ना है और आपको यहीं से अनुमान लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये आपके पास टोटल चार ऑप्शन है। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है ना, वो है ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला और तीसरा, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, और जो बीच में फंसी दूसरी बात है वो भाई गलत है, ठीक है? पढ़ के बता देता हूँ। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को 6 समूहों में उष्ण कटिबंधीय, शुष्क जलवायु, कोषण शीतोषण, शीत हिम वन जलवायु, शीत और उच्च भूमि जलवायु समूह, इन 6 भागों में डिवाइड किया था। कि कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को उष्ण कटिबंध, शुष्क जलवायु, कोषण शीतोषण, शीतल हिम वन जलवायु और शीत और उच्च भूमि जलवायु में वर्गीकृत किया था। अब आ जाओ भाई सातवें क्वेश्चन पर, कि कोपेन के अनुसार वर्गीकृत जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करो। कोपेन के अनुसार वर्गीकृत जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करो। कोई शुष्क ऋतु नहीं, मानसून, लघु शुष्क ऋतु, जाड़े की शुष्क ऋतु, और उपरोक्त लक्षण निम्नलिखित में से किस जलवायु समूह को संदर्भित करते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, कोष्ण शीतोष्ण जलवायु और वन जलवायु हिमशीत। कि जो ये चार विशेषताएं हैं, ऊपर की तीन और फिर ये चौथी, ये कौन सी जलवायु समूह से संबंधित है? तो भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है? देखो, कोई शुष्क ऋतु नहीं है, मानसून, लघु शुष्क ऋतु और जाड़े की शुष्क ऋतु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लक्षण हैं, ठीक है?
देखो आपको इसको मिनिमाइज करके पढ़ना होगा, थोड़ा ज्यादा चौड़ा है ये, अब तो दिख नहीं रहा मेरे को, नहीं दिख रहा यहाँ से आपको कहाँ से दिखेगा। देखो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है और इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष पर ऊर्ध्वाधर होता है। जो ये क्षेत्र होता है कर्क व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य वर्ष पर ऊर्ध्वाधर रहता है। यहाँ अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसी जेड की उपस्थिति होती है जिससे यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र बनी रहती है। ठीक है, कोपेन ने अपने वर्गीकरण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु को तीन भागों में विभाजित किया। पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसको AF के द्वारा दिखाया, उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जिसको AM के द्वारा दिखाया, किसके द्वारा AM के द्वारा दिखाया, और उसके बाद है लास्ट उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु जिसको इन्होंने AW के द्वारा दिखाया। ठीक है, कि जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु थी भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में, उसको कोपेन महोदय ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु और तीसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AF AM AW। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसको AF के द्वारा दिखाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु जिसको AM के द्वारा दिखाया जाता है, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु जिसको AF के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, देखो जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है वहाँ कोई शुष्क ऋतु नहीं होती। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वहाँ पर मानसून और लघु शुष्क ऋतु होती है। जो शुष्क ऋतु होती है वो बहुत छोटी होती है मानसूनी जलवायु में, और जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क ऋतु होती है वहाँ जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जिसको AW बोलते हैं वहाँ पर जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शुष्क जलवायु, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। जो शुष्क जलवायु थी उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, और इसको इन्होंने निम्न सिंबलों के द्वारा दिखाया। देखो उष्ण कटिबंधीय स्टेपी को BSHW, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को BWH, मध्य अक्षांशीय स्टेपी को BSK और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल को BWK। जो BSH होता है वह निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क होता है, BWH निम्न अक्षांशीय शुष्क होता है, BSK मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क होता है, और जो BWK है वो क्या है, वो होता है मध्य अक्षांशीय शुष्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा कोष्ण शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय जलवायु। जो कोष्ण शीतोष्ण है मध्य अक्षांशीय जलवायु उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, भूमध्य सागरीय जलवायु और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। जो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है जिसको CFA बोलते हैं, CFA नहीं है यहाँ पर, और इसके अलावा जो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है उसको CFA बोलते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु को CSA बोलते हैं, और जो समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु है उसको CFB बोलते हैं। ठीक है, अब देखो CFA का मतलब है मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क जलवायु, CSA का मतलब है शुष्क गर्म ग्रीष्म जलवायु, और CFB का मतलब है कोई शुष्क ऋतु नहीं कोष्ण और शीतल जलवायु। तो जो CFB होता है वहां कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, कोष्ण और शीतल ग्रीष्म होता है। तो दोस्तों आज का हमने टारगेट लिया था
कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर आपको केवल 7 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए हैं, क्योंकि वीडियो ये समथिंग 30 मिनट प्लस का हो गया है और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं उनका डिस्क्रिप्शन भी बहुत बड़ा है, तो हम उन तीनों को कंप्लीट कराएंगे तो ये वीडियो 40 मिनट का हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो वीडियोज हैं वो 40 मिनट के बने, हम उसको 30 मिनट से और 35 मिनट के बीच में ही बनाते हैं, जो ये बन चुका है। और ध्यान रखें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत करता हूँ मैं भी और आपके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे तरीके से इसको वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके शेयर करो, इज्जत का ध्यान रखना और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक तीनों बनते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और हाँ, PDF ले लें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं।